नमस्कार, मैं कमल रुपेला हूँ। कमल के ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। पहले आप सामान देख लीजिए। ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने पेपर रखा है। ये हैं दो कैनवासेस। और इस पेंटिंग को कहते हैं एक्रिलिक पोर, फ्लूइड आर्ट भी कहते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जो फॉरेनर्स ने बनाए हैं इस पेंटिंग के लिए, और इसी मैंने देखा इंडिया में किसी ने भी नहीं बनाया है। तो मैं जो है बहुत सारे पेंटिंग्स यूट्यूब्स पे बहुत सारे वीडियोस देख करके सीखी हूँ, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे जो है इंग्रेडिएंट्स का पता चला। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज होते हैं। सबसे इसमें मेन चीजें हैं, एक फेविकॉल, एक हमें चाहिए फेविकॉल चाहिए जो कि MR फॉर जनरल पर्पस, कलर चाहिए, एक्रीलिक पेंट चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। इस पानी को मैंने इसमें 2-4 चम्मच फेविकॉल डाल के इस बॉटल को पानी से भर दिया है। तो ये पोरिंग मीडियम हमारा हो गया, और इनका जो मिलाना है बहुत आसान है, हम मिला रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमको कैनवासेस भी चाहिए, आप किसी भी साइज का कैनवास ले सकते हैं। एक्रीलिक पेंट होना चाहिए। ये देखिए मैंने लगभग 1.5 चम्मच के करीब पेंट लिया है, पर्ल ग्रीन है, और उसमें मैं फेविकॉल डाल रही हूँ 1.5 चम्मच ही। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नापतोल चम्मच से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इससे जो है कचरा हो जाता है, चारों तरफ बिखर जाता है रंग, तो इसलिए इसको डर्टी पोर भी कहते हैं। ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, और मैं इसे मिला रही हूं। इसको मेरी हेल्पर अभी मिलाएगी। कम से कम 10 मिनट इसको मिलाना चाहिए। मैं आपको सिर्फ 2 रंग ही मिला के दिखाऊंगी। और जब भी आप कोई रंग लें, कुछ भी लें, तो उसको हिला के जरूर लें। ये देखिए ये 1.5 चम्मच के करीब है, ये पीला रंग है, ये थोड़ा सा पतला है, तो उस हिसाब से हम पानी लेंगे। तो इसमें हम फेविकॉल डाल रहे हैं 1.5 चम्मच के करीब। और पहले हम इसको मिलाएंगे जिससे ये पता चले कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अब मैं इसमें लगभग जितना रंग है उतना ही पानी डलता है, पानी मतलब फेविकॉल का मिला हुआ पानी। ये देखिए मिल गया है, इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डलेगा। थोड़ा हम इसको पतला करेंगे, रंग बहुत ज्यादा गाढ़े नहीं होने चाहिए, पतले ही हों, जैसे शहद होती है, गरम शहद, चॉकलेट सॉस होती है, ये है उसका कंसिस्टेंसी। ये पेंटिंग करना उन लोगों के लिए बहुत मजे की बात रहेगी जिन्होंने कभी अपने जीवन में पेंटिंग नहीं की, वक्त नहीं मिला, सीख नहीं पाए, या उतना फाइन हाथ नहीं है। मेरे साथ यही कुछ ही था, मेरा हाथ उतना फाइन नहीं था, लेकिन इच्छा होती थी कुछ करने की। तो इस तरह की पेंटिंग्स बनाने में मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली हुई, बहुत ज्यादा सुकून मिला, अच्छा लगा। थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी मैं। और ये कप्स चाहिए आपको, जो एयर टाइट कप्स हों, एयर टाइट बॉटल्स हों, कैसी भी बॉटल्स हों आपकी, उनमें मिला सकते हैं। बस ऐसे कलर मिला के आप रखेंगे तो उससे ये होगा कि कलर सूखना नहीं चाहिए, उस पर मलाई नहीं आनी चाहिए,
कई बार गांठें पड़ जाती हैं रंग में, अगर ट्यूब के कलर्स हैं गांठें होती हैं तो उनको भी आप छान लीजिए, छान के बनाएंगे तो बहुत स्मूथ कलर्स बनेंगे। तो ये हमारे रंग तैयार हैं। तेल, तेल इनमें नारियल का तेल 2-3 बूंद ताकि रंग फट जाए, और उसमें जो है या कोई भी जैसे लिवॉन का तेल होता है सीरम, वो डाल सकते हैं। और वो लोग कहते हैं कि ये 3-in-1 सिलिकॉन ऑयल है, मैंने इसको एक बॉटल में डाल के रखा हुआ है, तो मैं सिलिकॉन ऑयल डाल रही हूँ, आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। ये 1, 2, 3, 4 बूंदे, 1, 2, 3, 4, ये मेरे पास लिवॉन का सीरम है तो वो भी डाल सकते हैं, और इसको मिलाना है बहुत हल्के से 4-5 बार बस। मैं जो है अभी आपको एक एक करके बताऊंगी कैसे बनना है। इस कप में मैं रंग मिला रही हूं, सफेद काफी लगता है इसके अंदर, तो आप बड़ा बड़ी बॉटल 500 ml की या 100 ml की लेके सफेद को बना के रखिए। देखिए हमने बहुत सारे रंग घोल के रखे हुए हैं, ये देखिए मैं इसमें ये सफेद रंग डाल रही हूँ, उसमें हम थोड़ा सा, ये सब मिक्स किए हुए रंग हैं, ये हमने पर्पल कलर का है, पर्ल लाइलैक कलर है ये, ये थोड़ा सा पर्ल ग्रीन मैं यूज कर रही हूं इसके ऊपर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रंग मिलके कोई दो रंग मिलके कोई एक ही अलग ही रंग निकल आता है। ये देखिए मैजेंटा कलर है, ये थोड़ा थिक हो गया है तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल रही हूँ। और मैं ये डाल रही थी नीला रंग, चारों को अलग अलग डाला है मैंने ताकि ये मिलके कोई और रंग पैदा ना कर दें। अभी मैं फिर से सफेद रंग डालूंगी इसके ऊपर, थोड़ा सा एक लेयर सफेद रंग की, फिर नीले के ऊपर पर्पल डाल रही हूं। पर्पल के ऊपर ये पिंक के ऊपर ब्लू डाल रही हूं, पर्पल पे पिंक डाल रही हूं और ब्लू पे ग्रीन। थोड़ा सा बदलते रहने से उनके डिजाइन्स अलग आते हैं। आप देखिए ये रंगों में रिएक्शन शुरू हो चुका है, और मैं इसका बेस बनाऊंगी इस समय पीला और सफेद मिला करके। तो ये क्रीम कलर बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पीला रंग गिरा है इसलिए मैं उसको पीले को यूज करना चाहती हूँ, ये क्रीम बन जाएगा।
और ये बनेगा अभी थोड़ा सा मार्बल जैसा इसका बेस। थोड़ा सा सफेद और थोड़ा सा पीला लेके बहुत हल्का सा इनको मिला के और जब हम रंग डालते हैं उससे क्या होता है कि ये बेस के ऊपर रंग डालते हैं तो उससे बहुत बढ़िया रंग फिसलते हैं और फैलते हैं और उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। ये मैंने एक करछी ले रखी है, आप कोई भी रंग चुन सकते हैं, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। आपकी इच्छा है आप ग्लव्स पहने ना पहने। हिंदी में मैंने अब तक एक भी वीडियो नहीं देखा इस पेंटिंग का, इंग्लिश में बहुत देखे, इसलिए सोचा चलिए आप लोगों को जो मुझे आता है वो मैं सिखा दूं। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है, कोई पैकिंग मटेरियल जैसा सीधा, तो आप नीचे चार ग्लास भी रख सकते हैं। ये हमारे मिक्स कलर्स हैं, इनको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। इसको सही मायने में इसको पोर कहते हैं, ऐसे डाल दिया। अब हम इसको इंतजार करेंगे खाली होने का, ग्लास जब ये कप खाली हो जाएगा तो फिर हम इन रंगों को फैलाएंगे। जितना रंग दब के निकलेंगे एक दूसरे से मिलके उतने ही सुंदर बनेंगे। इसमें ये बबल्स हैं, देखिए आप, ये आपस के रिएक्शन से, इनको सेल्स कहते हैं। बहुत सारे वीडियोस में तो मैंने बहुत सुंदर बड़े बड़े सेल्स देखे पर मेरे इससे बड़े कभी नहीं आए। ये देखिए कप कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इनको रंगों को फैलाएंगे। अपने कैनवस के साइज के हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हैं। बड़ा कैनवस है तो ऐसे 3-4 कप लगेंगे, छोटा है तो उसमें आधा कप काफी है। बहुत बार हम जो है थोड़ा ये बेस को बॉर्डर की तरह छोड़ देते हैं। रंग काफी वेस्ट होता है लेकिन उसके बिना गुजारा नहीं है। थोड़ा बहुत तो वेस्ट होता ही है लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि वेस्ट ना हो कलर। देखिए बन गया। कौन सा रंग क्या रूप ले ले, कैसे क्या शेप ले ले पता नहीं चलता है।
आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।